नमस्कार, आप देख रहे हैं किन्नी टाइम्स। तो नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। बिहार के वैशाली में अचानक गंगा नदी के उफान के बाद एक हाथी ने 1 किलोमीटर तैरकर महावत को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद लोग जय हो गजराज बोलकर हाथी की तारीफ कर रहे हैं। 1 किलोमीटर तैरने के दौरान हाथी को काफी संघर्ष करना पड़ा और कई बार वो सूंड बाहर निकालकर सांस लेता हुआ दिखा, लेकिन किसी तरह से उसने अपनी और महावत की जान बचा ली। यह घटना राघोपुर क्षेत्र की है। मंगलवार 12 जुलाई 2022 को अचानक से गंगा नदी में पानी का स्तर बढ़ गया, जिसके बाद हाथी और महावत भी वहां फंस गई। पानी लगातार उफन रहा था। कई बार ऐसा लगा कि हाथी और महावत बह जाएंगे। हाथी ज्यादातर पानी के भीतर ही रहा और बीच बीच में सांस लेने के लिए सूंड बाहर निकालता रहा। इस दौरान महावत उसके ऊपर बैठा रहा। उसने हाथी के कान और गर्दन पकड़े हुए थे, जिससे वो बचा रहा। उक्त हाथी और महावत बिहार की राजधानी पटना के लिए निकले थे। उन्हें रुस्तमपुर नदी घाट से वहां जाना था। रुस्तमपुर पहुंचते ही पीपा पुल के खुलने की बात पता चली। पानी बढ़ जाने से दोनों वहां फंस गए, लेकिन महावत ने नदी पार करने की ठान ली थी। तेज धार में भी वो हाथी के साथ उतर गया। बीच में हाथी ने भी महावत का साथ नहीं छोड़ा। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।